फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अच्छे हेल्दी वेल्दी रहे, इसीलिए हम आपके लिए हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर दर्द के बारे में। सिर दर्द होना एक कॉमन समस्या है, सभी को होता है, कभी ना कभी सभी को ये दर्द महसूस होता है। लेकिन दर्द का पैटर्न और किस जगह पर होना है उसके आधार पर ये दर्द को अलग अलग डिवाइड किया जाता है। तब कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि आपका जो सिर दर्द है कई गंभीर बीमारियों का इंडिकेशन भी देता है। इसके अलावा नॉर्मली जो सिर दर्द के कारण हैं उन पर बात करें तो आपका पोषण की कमी, अधिक गर्मी या सर्दी जुकाम या फ्लू, या फिर आंख की रोशनी या आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण भी आपको ये सिर दर्द हो जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ सिर दर्द के पैटर्न के बारे में, जिनमें कि आपका जो सिर दर्द है गर्दन के ऊपर यानी सिर के पिछले हिस्से में होता है। तो ये दर्द क्यों होता है और इनके होने के रीजन क्या है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको कब डॉक्टर को दिखाना है, इन सभी पर आज हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, सिर दर्द होना एक कॉमन समस्या है और लोग इसको इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन कभी कभी इसे इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है। ये पैटर्न पर डिपेंड करता है कि जो दर्द है वो कितना खतरनाक हो सकता है। मोस्टली कुछ सिर दर्द के बारे में लोग जानते हैं, जैसे कि साइनस का दर्द होता है या माइग्रेन का दर्द होता है या फिर आपको फ्लू की वजह से जो दर्द हो रहा है, इनके बारे में लोग जानते हैं, लेकिन इसको सही तरीके से समझ नहीं पाते और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं या पेनकिलर लेकर आप इसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर आपको सिर दर्द हो रहा है तो ये इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है और उसी का ये एक सिम्टम होता है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी दर्द है तो उसके लिए ट्रीटमेंट जरूर कराएं। चलिए देख लेते हैं कितनी तरह का सिर दर्द होता है और इनके लिए आपको क्या करना है और इनके होने के क्या रीजन है। नंबर वन पे होता है क्लस्टर। क्लस्टर दर्द एक ऐसा दर्द है जो आपको दिन में कई बार हो सकता है, एक निश्चित पैटर्न में भी हो सकता है या कई महीनों बाद भी हो सकता है। और ये जो दर्द है वो आपके गर्दन के पिछले हिस्से से शुरू होता है और ये आपकी आंखों के पास और कनपट्टी में ये दर्द महसूस होता है। तो ये दर्द जो है पीछे से आगे की तरफ हो सकता है, तो इसे हम कहते हैं क्लस्टर सिर दर्द। दूसरे पर हम बात करते हैं, वो होता है स्ट्रेस के कारण होने वाला दर्द। बहुत कॉमन है, लोगों को आजकल हर किसी को स्ट्रेस है और इसके कारण से आपको ये दर्द महसूस होता है, क्योंकि लगातार स्ट्रेस के कारण से आपकी जो मांसपेशियां हैं उनमें तनाव हो जाता है और आपको ये दर्द महसूस होता है। तो अगर आप लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, आप रुक कर कोई काम करते हैं, जैसे कि ऑफिस में लगातार घंटों बैठ कर आपको काम करना है, लैपटॉप पे काम करना है या मोबाइल से कोई काम कर रहे हैं, जिसके कारण से आपकी जो गर्दन की नसें हैं उन पर दबाव पड़ता है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है और उनमें सूजन आ जाती है और आपको ये दर्द होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ी थोड़ी देर में अपनी गर्दन की मूवमेंट करनी है, रिलैक्स रहना है, टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी है, तो इस दर्द से राहत पाया जा सकता है। नेक्स्ट दर्द की हम बात करते हैं, वो होता है साइनस के कारण होने वाला दर्द। साइनस के कारण होने वाला दर्द के बारे में भी लोग जानते हैं, जो आपकी आंखों के ऊपर या नाक के दोनों ओर जो साइनस के होल होते हैं उनमें दर्द होता है और इनमें सूजन भी आ जाती है। साइनस का पेशेंट जो होता है उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, नाक बंद हो जाती है और उसे सोने में भी तकलीफ हो सकती है। तो ये साइनस का दर्द है। साइनस के लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। साइनस के दर्द से राहत पाने के लिए आप मेडिसिन ले सकते हैं, इनहेलर्स का यूज कर सकते हैं, कुछ नेजल स्प्रे आपको डॉक्टर लिखते हैं, इसके अलावा स्टीम आप ले सकते हैं, गर्म चीजों का सेवन कर सकते हैं जैसे कि चाय और कॉफी। ये सभी चीजें हैं वो आपको सिर दर्द से राहत देती हैं और ठंड से आपको बचना है। अगर आपको किसी तरह की कोई एलर्जी है तो आपको उसका भी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। नेक्स्ट दर्द की हम बात करें, ऑक्सीपिटल न्यूरोलेजिया। ये इस तरह का दर्द है जो कि ऑक्सीपिटल नर्व के कारण से होता है। इसमें दर्द होता है और ये दर्द होता है बहुत तेज होता है, असहनीय होता है। तो अगर किसी को इस तरह का दर्द होता है तो इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। नेक्स्ट दर्द होता है आपके लिम्फ नोड में सूजन के कारण से, जो कि आपके कान के पिछले हिस्से में सूज जाती हैं और इनमें लगातार दर्द होता है, गर्दन के पीछे दर्द होता है, तो ये भी बहुत असहनीय होती है। जब इनमें ज्यादा सूजन आ जाती है तो इसके कारण से आपको गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द महसूस होता है। अगर हम नेक्स्ट पैटर्न की हम बात करें तो ये होता है वर्टिब्रल आर्टरी डिसेक्शन। तो जो वर्टिब्रल आर्टरी है इस पर दबाव पड़ता है और इसके कारण से आपको दर्द होता है।
तो जो आर्टरी है उस लगातार दबती है, जिसके कारण से आपको लगातार दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है। तो अगर आपको इस तरह की जो दर्द होता है हो रहा है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, इसके लिए तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से मिलना है। फ्रेंड्स, हमारे सिर में जो नर्व्स होती हैं दर्द के कारण से फूल जाती हैं, कई बार ब्लॉकेज हो जाते हैं, जिसके कारण से ब्रेन स्ट्रोक तक हो जाते हैं। तो अगर किसी को भी बहुत जल्दी आपकी बॉडी में चेंज हो रहा है, आपको धुंधला दिखाई देने लगा है, आपका बॉडी का बैलेंस नहीं बन रहा है, लगातार बहुत तेज एकदम से दर्द उठा है, तो आपको बिना देरी किए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उस पेशेंट को लेकर जाना चाहिए, नहीं तो उसका जो पैरालाइज अटैक तक हो सकता है, इस जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं। इस पर मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए। उन चीजों को जल्दी से जल्दी समझिए, और ये अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो उसे तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाइए। ऐसे करने से आप किसी की जान बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सर दर्द के पैटर्न थे जो मैंने आपको बताया। इनमें से कई लोगों को ये दर्द महसूस होता होगा, आपको इनमें से किस पैटर्न का दर्द होता है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम होती है और इसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट लेते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।